नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेस्ट एंड मैंगो चैनल पे और मैं हूं आपका अपना दोस्त रामकेश। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे कोडिंग राउंड्स जो होते हैं प्लेसमेंट के लिए, उसमें दोस्तों आपको नोटपैड पे टाइप करना होता है और नोटपैड पे टाइप करने के लिए आपकी गुड प्रैक्टिस हो, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस भी नोटपैड पे ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जावा प्रोग्राम को नोटपैड पर लिख सकते हैं एंड देन उसे आप रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे जाना है और जावा को डाउनलोड करना है, JDK आप डालोगे एंड डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कीजिए एंड देन आपको प्रोग्राम फाइल्स में आपको जावा सर्च करना है एंड देन आप पाओगे JDK JRE के दो फोल्डर मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको JRE को क्लिक करना है एंड देन बिन फोल्डर में जाके इस पाथ को कॉपी करना है। रीजन दोस्तों ये है कि इसके पास आपकी जावा सी है जो कंपाइल करने का काम करता है। और दोस्तों, जो अभी आपने दूसरी फाइल देखी JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो क्या करती है, जो भी जावा सी से कंपाइल्ड फाइल होती है वो डॉट क्लास बनती है एंड देन उसको एक बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों, इसको आपको कॉपी करना है एंड देन दोस्तों एक पाथ आपको देना है। तो आपको जस्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जहाँ से आप इसके पाथ देते हो, जिसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक्सेस कर पाता है एक पर्टिकुलर क्लास को। तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल आप सर्च कर सकते हैं एंड देन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप न्यू ऐड करना है आपको। तो अगर आपने इसके पहले जावा का पाथ नहीं दिया है तो आप जस्ट यहाँ पाथ टाइप कीजिए एंड देन आपको वेरिएबल्स वैल्यूज में आपको पाथ जहाँ पे आपका जो बिन फोल्डर था उस पाथ को यहाँ पे करके ओके करना है एंड देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है, यानी कि ओके करना है एंड देन ओके करना है जब तक कि आप बाहर उससे ना आ जाओ। तो दोस्तों, ये था कि पाथ आप कैसे दोगे। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लर्निंग ट्यूटोरियल्स पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपल सा था कि आप कैसे वेरिएबल पाथ पास करते हो। आप एंड्रॉयड पे भी काम करते हो तो उसके लिए आप पाथ पास करते हो। और दोस्तों, अगर आप कोडिंग राउंड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नोटपैड पे प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होती है और आपको इससे स्पेलिंग्स, क्या कैपिटल होगा, क्या स्मॉल होगा, इसकी नॉलेज हो जाती है। दोस्तों, आपके हेल्प के लिए बता दूं कि जितनी भी क्लासेज होती हैं उनको हम लोग कैपिटल एस से लिखते हैं और मेथड जितने भी होते हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होते हैं। तो मैं नोटपैड पे एक नई फाइल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैंने इम्पोर्ट जावा ut.scanner लिखा एंड देन मैं एक क्लास बना रहा हूँ, पब्लिक क्लास मैसेज। तो दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को लिख रहा हूँ सिंपली दो नंबर को ऐड करने के लिए और आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि मैं इस प्रोग्राम में क्या गलती कर रहा हूँ और उसको आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है अगर आपको पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं आपकी कितनी अच्छी स्किल है जावा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि इंटर टू नंबर्स, यानी कि ये विजिबल हो यूज़र को और वो दो नंबर इंटर करे। तो ठीक है, हम लोग एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं SC एंड देन न्यू स्कैनर करके हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि जो दो नंबर हैं उनको यूजर से इनपुट कराया जा सके, यूजर से कीबोर्ड के थ्रू लिया जा सके। तो दोस्तों, स्कैनर एक क्लास होती है जो इनपुट कराने के लिए मदद की जाती है और system.in भी क्या करता है, एक बफर में आपकी वैल्यू को लेता है। तो मैंने दो वैल्यू को ले लिया और ऐड भी करा दिया एंड देन मैं उस सम को प्रिंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा सिंपल सा प्रोग्राम और आपको ध्यान से देखना है कि मैंने इस प्रोग्राम में क्या गलती करी है। आप तुरंत इस प्रोग्राम को रोकिए, वीडियो को रोकिए एंड कमेंट करके हमें बताइए कि क्या मैंने गलती करी है। तो चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको सिंपली जो आपने क्लास का नाम दिया होगा पब्लिक क्लास, उसका नाम रखना है डॉट जावा रखना है एंड देन ऑल क्लास। आप कोई भी फोल्डर में इसको सेव कर सकते हो दोस्तों और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस फोल्डर तक आपको पहुंचना है एंड देन प्रोग्राम को रन करना है। तो आपने किसी भी फोल्डर में उसको स्टोर कर लिया एंड देन दोस्तों आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है एंड ओपन करना है। आप अगर डी ड्राइव में सेव किया तो आपको डी कॉलन करना है एंड देन आपको जिस फोल्डर का नाम आपने दिया हुआ है उस ड्राइव के अंदर उसको लिखना है CD। देन मैंने जावा प्रोग्राम के अंदर रखा हुआ है उस नोटपैड फाइल को, तो मैंने जावा प्रोग्राम लिखा एंड देन दोस्तों आपको इंटर करना है। आप उस फोल्डर के
पास चले जाते हो, उस फोल्डर के अंदर चले जाते हो, एंड देन आपको लिखना है जावा सी। दोस्तों अगर आप पूछा जाए कि आपका कौन सा कंपाइलर यूज किया जाता है कंपाइल करने के लिए जावा में, तो जावा सी है। एंड देन उस क्लास का नाम डॉट जावा आपको राइट करना है एंड देन इंटर करना है। ये दोस्तों क्या करता है, आपको डॉट क्लास बना के देता है। तो दोस्तों सिंपली आपको याद रखना है जावा सी। तो आप देख सकते हो कितनी सारी एरर आ गई। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि कौन सा है, क्या मैंने गलती करा है। तो चलिए इस एरर को सॉल्व करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि जो जावा है वो उसको फॉलो करता है, यानी कि और एक मेन थिंग ये है कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपको मेन के अंदर लिखना होता है। और दूसरी चीज, जब भी आप उप्स कंसेप्ट पे काम करते हो तो आप जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए आपको मेथड बना के ही काम करना होता है। तो दोस्तों अगर आप मेथड बना भी लेते हो, अगर मेन के अंदर उसको कॉल नहीं करते या मेन नहीं लिखते हो, तो ये प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या गलती करा था। तो चलिए इसको दोबारा रन करते हैं और आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि जिस ड्राइव में है उस ड्राइव में जाइए, सीडी से उस प्रोग्राम को चेंज कीजिए। एंड देन दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे फोल्डर है जावा प्रोग्राम और यहाँ पे क्लास फाइल भी बन गई। एंड देन जावा एंड उस फाइल का नाम लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए इंटर टू नंबर्स आ गया। तो मैं दो नंबरों को इंटर कर देता हूँ और इसका एड भी आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से, कितने आसान तरीके से आप जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हो। और दोस्तों कोडिंग राउंड में इस तरह से आपको प्रोग्राम मिलेंगे और आपको ऐसे सॉल्व करना है। और दोस्तों आप इसके लिए अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रोग्राम्स को, तो मैंने कोडिंग राउंड्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स को के वीडियो बना रखे हैं, आप वहां से